गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गॉड मदर इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 40, हाउ बिग हाउ हैवी। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम फिगर ऑफ फॉलोइंग क्यूब। 1 square cube 1 centimeter। अब ये हाइट, ब्रीथ एंड लेंथ होती है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर क्यूब में देख के हम देंगे। वॉट इज द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ क्यूब। अब लेंथ, ब्रीथ और हाइट। अब लेंथ, ब्रीथ और हाइट कितने हैं हमें देखनी है। ये ब्रीथ भी इतनी ही है। कितनी है? 1 2 3 4, 4 cube है तो 4 centimeter, 4 centimeter एंड 4 centimeter। तो कितनी हुई? लेंथ हुई 4 centimeter, ब्रीथ 4 centimeter एंड हाइट 4 centimeter। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस हाइट, सॉरी मल्टीप्लाई हाइट। सो क्या है वॉल्यूम इसका? 4 multiply 4 multiply 4 4 4 multiply 4, 4 4 जा 64 सेंटीमीटर। 3, क्योंकि 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया है। व्हाट इज द ब्रीथ, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड? कलर्स इन ब्लैक। अब हमें क्या करना है? ब्लैक कलर का क्यूबॉइड ढूंढना है। अब उसकी लेंथ कितनी है? 4, ब्रीथ 2 centimeter, लेंथ 4 एंड उसकी हाइट कितनी है? 4 centimeter। ये लेंथ 4 है, उसकी हाइट कितनी है? 4 centimeter। तो लेंथ ऑफ सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ 4 centimeter ब्रीथ ऑफ 2 centimeter एंड हाइट इज 4 centimeter। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कलर इन ब्लैक? अब ये जो हमने देखा कि 2 ब्रीथ, हाइट 4, इसकी लेंथ भी 4, तो अब उसका ब्लैक कलर में उसका वॉल्यूम क्या होगा? अब वॉल्यूम फॉर क्यूबॉइड इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई एच। 4 ब्रीथ कितने? 2 मल्टीप्लाई 4। फोर टू ज़ा एट, एट फोर ज़ा 32 सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम है ब्लैक का। व्हाट इज द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड द लाइन? विथ लाइंस, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ? अब इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4, लेंथ 4 है। उसकी ब्रीथ चौड़ाई कितनी है? 1 2 2 सेंटीमीटर और उसकी हाइट कितनी है? हाइट किसे, यहाँ से इसको हाइट कह सकते हैं, 1 2 and 3 विथ लाइंस, 1 2 and 3, ये 4, ये 2 and 3। सो उसकी लेंथ 4 centimeter, ब्रीथ 2 centimeter एंड इसकी हाइट 3 centimeter।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विथ लाइंस. अब उसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 4 दी गई है. 4 2 4 3 and 4 सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच. सो लेंथ है 4, ब्रीथ 2, हाइट 3. 4 2 8, 8 3 24. With the length, breadth and height of cuboid with dots. अब डॉट से उसका हमें ढूंढना है, तो ये रहे डॉट्स. अब डॉट्स की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर. उसकी ब्रीथ चौड़ाई 2 सेंटीमीटर. 1 2 2 है तो 2 सेंटीमीटर. उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और हाइट 1 सेंटीमीटर. बिकॉज 1 स्क्वायर क्यूब इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो 1 क्यूब का 1 सेंटीमीटर होता है, तो 2 क्यूब का 2 सेंटीमीटर, 4 क्यूब का 4 सेंटीमीटर. और यहाँ पे 1 है तो उसकी हाइट होगी 1 सेंटीमीटर. सो लेंथ इक्वल टू 4, ब्रेथ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विथ डॉट्स. अब इसका वॉल्यूम हमें ढूंढना है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच. एल कितना है? 4, ब्रीथ 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 1. 4 2 8, 8 1 8, 8 सेंटीमीटर. 9, 10 होमवर्क. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग शेप. अब जो यहाँ पे शेप दिए गए हैं हमें उसके वॉल्यूम ढूंढने हैं. अब देखिए 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर. सो 3 2 6, 6 4 24. सो 24 क्यूबिक सेंटीमीटर. 5 3 2 10, 10 3 30 क्यूबिक सेंटीमीटर. 3 3 9, 9 5 45. तो 45 क्यूबिक सेंटीमीटर. 8 1 8, 8 सेंटी 8 क्यूबिक सेंटीमीटर. 20 3 16, 600 मल्टीप्लाई 40, 2,400 क्यूबिक सेंटीमीटर. 3 8 24, 24 4 96 क्यूबिक सेंटीमीटर. 15 4 60, 60 8 480 क्यूबिक सेंटीमीटर. 3